Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the CAT the day analysis of slot 1 and slot 2 as well. And I want to ask you one question, a very serious question. Ki, as you know, ki hum apni jo app hai aur jo web hai, uske upar website pe aur app par free test dalte hain daily ke. CAT level, non-CAT level, GK, Paragymnastics, a lot of. So what you recommend ki hum wo CAT level wale band kar dein? Mera manna ye hai ki hum usko continue rakhte hain jo bhi student dena chahte hain. Agar aap denge, like agar aap dena chahte ho to please comment karna that for the next year you are preparing or not. Ki aap doge CAT level, it's a good thing kyunki hum koi ad nahi lagate, koi hame us income nahi hoti basically isse. Like there is no income, it's a kind of a loss to us. So but hum continue rakhte hain, mere manna hai ki continue rakhein, baki aapke upar hai. Please let us know in the comment section below and I hope in test ne aapki bahut help kari ho, jitne bhi logon ne diya hai, somewhere around more than like 2000 people are giving these tests daily on a daily basis. 8 ke 8 dete hain because main back end mein check karta rehta hu kitne log de rahe hain. To I hope un 2000 logon ko to bahut fayda hua hoga. Theek hai, baki aur bhi aap doston ko bata sakte ho ki daily test ke liye kahan pe jana hai. Theek hai, free of cost. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं कैट 2019 का स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, इसके अंदर अगर हम देखें तो VARC वाज काइंड ऑफ अ टफर वन फॉर स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, अगर हम 2-3 साल पुराने पीछे जाएं तो VARC वाज टफ एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स. उसके बाद अगर हम आए LRDI सेक्शन पे और DILR, जो भी आप कहना चाहो, स्लॉट 1 में जो अभी तक सबका फीडबैक आया कि लाइक एज कम्पेयर टू द स्लॉट 2 थोड़ा सा ईजी था, मतलब इसमें ईजी था, इसमें थोड़ा टफ था, मतलब इन दोनों के कंपेरिजन में. बट अगर हम एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स देखें तो इट वॉज प्रिटी मच सेम, कुछ ज़्यादा नहीं है. मैं आपके पास साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ, सो डोंट वरी फॉर दैट. बस अभी मैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का डिफरेंस देख रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, बाकी क्वांट वॉज सेम, उसमें कोई ऐसा नहीं आया कि स्लॉट 1 में टफ था कि स्लॉट 2 में टफ था. ठीक है, सो दिस इज लाइक अगर हम बात करें VARC इन क्वांट लेवल की डिफिकल्टी जो थी सेम थी, बट LRDI में थोड़ा सा चेंज आया है जो कि स्टूडेंट बोल रहे हैं. बट हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो सेम था क्वांट. हाँ, अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें तो ये टफ था, लाइक अगर हम पिछले साल का देखें 2018 का. बट अगर हम देखते हैं 2016 या 2017 के तो थोड़ा सा सेम ही था, या फिर आप थोड़ा सा लेवल अबव कह सकते हैं. ठीक है, so that's the like slot 1 and slot 2. Now coming to the analysis, but before that we are offering some courses. IFT booster जो है कल से स्टार्ट होने वाला है, 6+ लाइव क्लासेस होंगी बाय द IFT alumni, बहुत ही सस्ते पे है. प्लीज़ गो एंड एनरोल नाउ अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं IFT देने की. एंड इसके अंदर आपके सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कवर्ड हो जाएंगे. ठीक है, क्वांट, DILR, बाकी आपको डिटेल सारी वेबसाइट में मिल जाएगी, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. बाकी NMAT स्नैप क्रैश कोर्स, अगर किसी का अभी भी NMAT विंडो 5 में देना है और इसका लगता है कैट नहीं निकलेगा, दिस इज द लास्ट चांस यू हैव एन NMAT स्नैप. एंड वी आर रियली 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 वेरी पॉपुलर फॉर द NMAT स्नैप, एंड विंडो 5 में पक्का है निकलवा के छोड़ूंगा. ठीक है, टेंशन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर कैट बर्बाद हो गया अब क्या करना है, तो दिस इज द वे. NMAT एंड स्नैप इज द ओनली की टू सक्सेस टू गेट द टॉप 10 कॉलेजेस. बाकी टेस्टनेट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, सब पे डिस्काउंट आप देख सकते हैं, प्राइसेज यहाँ पर ही है. टेस्ट सीरीज पे काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, NMAT 699, लाइक कितना बड़ा डिस्काउंट है, अभी जाके एनरोल कर लो अगर किसी ने अभी तक एनरोल नहीं किया. IFT जस्ट 200 rupees, 5 फुल लेंथ टेस्ट, 6 सेक्शनल, 5 GK, भाई सेल लगी है. ठीक है, बिकॉज लेस देन अ मंथ, लेस देन अ वीक सॉरी इज देयर, सो इसलिए इसके प्राइसिंग बहुत नीचे कर दी है. स्नैप इज 799 एंड टेस्ट इज 699 एंड रेस्ट आर वो है. बाकी आप वेबसाइट पे आके चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज बोथ आर अवेलेबल, हमारी ऐप पे भी है. अब आप बात करते हैं VARC का. VARC का मैंने सिर्फ स्लॉट 1 का भी लिखा है पूरा डिटेल के अंदर. ठीक है, बिकॉज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि कैसा एग्जाम आया था और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते थे. मैंने इसमें टीटा कितने आए और नॉर्मल वाले कितने हैं वो नहीं लिखा, बिकॉज दैट डजंट मैटर. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको टीटा भी कर लोगे और नॉर्मल भी कर लोगे. ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं RC की, तो RC में 24 क्वेश्चंस थे. RC कुछ आपकी स्लॉट 1 की ऐसी थी, ब्रिटिश के ऊपर, टोपोविला, एम्परर, पेंगुइन्स के ऊपर, इंटरनेट शॉपिंग एंड ओरिजिन ऑफ स्टोरी ऑफ अलादीन. ठीक है, सो RC का टॉपिक कुछ कुछ ठीक ठाक था, कुछ बिल्कुल ही, मतलब ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर. बट अगर हम देखें 5-5-5-4-5-5, ठीक है, तो ये पैटर्न था मेजरली, 5-5-5 देन 1 RC 4 वाली, तो 24 क्वेश्चंस हो जाते हैं. वर्बल एबिलिटी के अंदर पैरा जंबल्स,
चार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस तीन एंड समरी वाले तीन, ठीक है। ये आपके वर्बल एबिलिटी का पार्ट हो गया, ये आपका आरसी का पार्ट हो गया। इसके अंदर जो डिफिकल्टी थी ओवरऑल टफ थी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स, एंड आई विल रिकमेंड अगर आपने इसके अंदर समवेयर अराउंड 20 क्वेश्चंस भी कर दिए, 20+ और 20, तो यू विल गेट अ 99% फॉर श्योर, ठीक है। मतलब इसके अराउंड आपकी आ जाएगी यार, अगर 20+ भी कर दिए तो आप टच कर जाओगे इजिली 99%। बट मैं करेक्ट की बात कर रहा हूँ, 20 करेक्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी और लाइक इनकरेक्ट टोटल अटेम्प्ट, नहीं, करेक्ट 20 क्वेश्चन प्लस करें तो हो जाएगा। अब देखिए अगर हम LRDI स्लॉट वन लाइक LRDI के अंदर सेक्शन के अंदर, तो मेजरली आपको यहाँ पे दिखेगा कि सारा ना आपका पजल ही आया था, या फिर रीजनिंग पजल ऐसे वाले आए थे। कुछ भी ऐसा सेट नहीं था जो कहते हैं क्यूब्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं क्यूब्स, लाइक ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड इट वॉज लाइक जैसे आ रहा है ना, मतलब पिछले 2-3 सालों से वैसे ही सेट थे, कुछ हाइपर नहीं था। मतलब कि भैया चेंज ही कर दिया हो, कि मतलब जब पहली बारी मिसिंग डेटा आया था तो बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो गए थे, ये क्या है, डेटा है कहाँ चला गया इसका, एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट वॉज एन सेम एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। एंड इसके अंदर अगर मैं सेफ गेस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड अगर आपने 4 कंप्लीट सेट, विच मीन्स कि आपने 16 क्वेश्चन प्लस या कर दिए, तो यू विल गेट अ 99%, ठीक है। अब 99 के ऊपर जाने के लिए तो आपको और ज्यादा करने पड़ेंगे, बट मैं 16 इस सेफ गैस लेके चलो, 16 करेक्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वांट। क्वांट के अंदर भाई आई एम ऑल्सो सरप्राइज अ लिटल बिट, बिकॉज मुझे लगता था कि अलजेब्रा अभी तक काफी मेजर चंक रहता है, बट थोड़ा सा बारी कम हुआ 5, ज्योमेट्री बढ़ गई 7, एंड इट ज्योमेट्री वॉज ईजी, लाइक क्वेश्चन ईजी थे, लिटरली ईजी थे। एंड अर्थमेटिक काफ़ी ज़्यादा आ गई 13 क्वेश्चन, लाइक उन्होंने भी इस बारी लाइक जैसे एनमैट ने लाइक इंपॉर्टेंस दी है आपके परसेंटेजेस PNL इन वाले चैप्टर्स को, जिनको कोई पहले पूछता नहीं था, तो उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। एंड इस बारी क्वांट इजी रहा एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, ठीक है। एंड आई एम होपिंग कि इसके अंदर जो कट ऑफ रहेगी लाइक फॉर दी योर 99% एल दैट विल 20+ क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन, देन यू विल गेट अ 99%, ठीक है। बाकी अगर आपको परसेंटाइल प्रिडिक्टर चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट वाला, तो हमने वेबसाइट पे यहाँ पे डाल दिया, आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए। यू डोंट हैव टू लॉग इन एंड यू डोंट हैव टू शेयर एनी डेटा, ओके। सो आपको कोई भी किसी भी तरीके का डेटा हम सेव भी नहीं कर रहे हैं, ना आपको शेयर करना है, बिकॉज लोग बोलते हैं कि परसेंटाइल प्रिडिक्टर करवा के ना डेटा लेके कॉलेजेस को भेजे, तो वी डोंट डू दैट। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए, एक अलग से प्लेटफॉर्म खुलेगा, ठीक है। वहाँ पे अपना नाम जो भी चाहो लिख दो, एक्स करके लिख दो चाहे, बट यहाँ पे जो डेटा है वो सही डालना, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज की रिकमेंडेशन भी नीचे दिखेगी। येस दैट इज लाइक आपने पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाली है, आउट ऑफ 100 आपकी परसेंटेज क्या बनती है फुल, मतलब ये नहीं बेस्ट फोर वाली मत डालना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 12th में भी ऐसी बेस्ट फोर वाली नहीं, टोटल वाली, ठीक है, जो आपने कैट के फॉर्म में भरी है, वो सारी यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद क्लिक ऑन सबमिट, एंड देन यू विल गेट कि अगर आपका स्लॉट वन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्लॉट टू है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ओवरऑल परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकअप आ जाएगा। ये 50-50-50 ऐसे रैंडम ले लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मैंने एटलीस्ट टॉप 10 कॉलेजेस का लिया हुआ है, कि न्यू आयंस का आपको कॉल आ जाएगी, फिर MDI से आपको कॉल आ सकती है, बिकॉज 96+ परसेंटेज भी देता है, और मैंने डेटा के अंदर 95-95 डाल दिया, तो इसलिए SP Jain भी वो दिखा रहा है, ठीक है। एंड बाकी यार जाके जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर किसी को अकॉर्डिंगली नहीं बता सकता कि सर मेरी 10th में इतनी, क्या मेरे को कॉल आ सकती है, तो यहाँ पर हमने वो पूरा डेटा डाल दिया, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे जाके डालिए और कोई आपको कॉल नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। जो डेटा इज सेफ, लाइक क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं ले रहे हैं, एडमिट कार्ड ले रहे हैं, और कुछ ले रहे हैं। सो आप जाइए पर्सनल प्रेडिक्टर पर, क्लिक करिए एंड गेट योर लाइक डेटा, कि आपको क्या लगता है कि किससे कॉल आ सकती है, किससे नहीं आ सकती, ठीक है। और न्यू आई एम से तो मेजरली आपको मैं कहूँगा कि 93 या 92% तक आ ही जाती है। एंड बाकी IITs का यहाँ पे हमने नहीं डाला इस बार ही, बिकॉज IITs बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उनकी जो परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। सो लाइक मेरे हिसाब से शायद इस बारी 98 या 99% ही रहने वाला है, ठीक है। पहले कहीं पे 90 होता था किसी टाइम पर, ठीक है, अब तो बहुत पॉपुलर हो गए ये भी कॉलेजेस, तो इसलिए 99 पे आ चुके हैं, ठीक है। बाकी और कॉलेजेस के अगर आपको चाहिए हो तो इसके अकॉर्डिंगली आपको परसेंटाइल के अकॉर्डिंग दिख जाएगा कि आपको उस कोर्स में लाइक उस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉप की डाली है, ठीक है। बाकी हमारी NMAS टाइप की ई बुक अवेलेबल है, ऑल राइट, वो भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मैंने सारी बता दी, डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, ह्यूज डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, तो जरूर से चेकआउट करिएगा। दीज आर द फीचर्स ऑफ L4E, एंड आई होप हमारी जितनी भी वीडियोस थी, जितनी भी टेस्ट सीरीज थी, जितने भी हमारे फ्री के टेस्ट थे, उन्होंने हेल्प किया होगा आपको। अगर हेल्प किया तो जरूर से लाइक बटन जरूर दबाना, ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको पता लग जाए कि भाई कैसे चेक करना है। एंड बाकी जिनका NMAT है अभी विंडो 5 के लिए, यू कैन चेक कि विंडो 1 का रिजल्ट्स
हमारे आ चुके हैं, विंडो 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, विंडो 3 का जैसे ही आएगा मैं वो भी शेयर करूंगा जरूर से आपके साथ। एंड दीज आर द रिव्यूज़ बाय अवर स्टूडेंट्स फॉर अवर क्लासेस, ठीक है। बाकी डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, एंड मैंने बहुत बोल दिया आज तो, ठीक है। सो दैट्स इट, एंड आई होप इस बारी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। एग्जाम वॉज नॉट दैट टफ, लाइक 2018 में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हिल विल गए थे कि यार ये क्या ही आ गया है, क्वांट ऐसी कैसे हो सकती है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स आर हैप्पी, ठीक ठाक गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जनवरी में रिजल्ट आएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ लवली एंड ऑसम डे अहेड। एंड इफ यू एनी सजेशन और क्वेरी, कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड बाकी वो कैट वाले जो फ्री टेस्ट हैं ज़रूर से बताइएगा कि आप देना चाहते हैं कि नहीं। ऑलराइट, बाय बाय। What I'm about to do, show.